अरे ये क्या हो रहा है। नीतीश कुमार पहले झुके, हाथ जोड़कर प्रणाम किए, सामने कोई आया तो उसे हटाया, फिर सर झुकाकर फिर प्रणाम किए। आखिर ये माजरा क्या है? एक बार फिर इन तस्वीरों को देखिए, शायद कुछ समझ में आ जाए। काहे नाराज है सर? सर हम लोग को नीतीश कुमार ने किसे प्रणाम किया और अपनी गाड़ी की तरफ निकल लिए। सवाल ये है कि आखिर उनके सामने कौन आ गया कि बिहार के मुखिया को झुककर और सिर झुकाकर प्रणाम करना पड़ा। चलिए हम आपको ये पूरा माजरा समझाते हैं। उससे पहले एक बार फिर इस वीडियो को देखिए। काहे नाराज है सर? सर हम लोग को और नीतीश कुमार गाड़ी में बैठकर निकल लिए। चलिए अब जानते हैं आखिर ये पूरा माजरा क्या है। दरअसल नीतीश कुमार पटना में जवाहरलाल नेहरू जयंती समारोह स्थल से बाहर निकल रहे थे। हमेशा की तरह मीडिया उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो सामने आए, मीडिया ने उनसे कुछ सवाल करने की कोशिश की। इससे पहले कि मीडिया उनसे कुछ पूछ पाती, नीतीश कुमार का ये अलग ही अंदाज सामने आया। नीतीश कुमार मीडिया के सामने एक तरह से नतमस्तक होते ही दिखाई दिए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अब उनका ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। हालांकि इस बारे में ना तो उनकी पार्टी और ना ही उनके साथ मौजूद तेजस्वी यादव ने अभी तक कुछ साफ किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर और मीडिया रिपोर्ट्स में ये जरूर कहा जाने लगा है कि नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में जिस भाव भंगिमा के साथ सेक्स एजुकेशन पर ज्ञान दिया था, जिसके बाद उनके बयान पर जिस तरह से राजनीति हुई थी, शायद उसी बात को लेकर उन्होंने मीडिया के सामने हाथ जोड़ लिए हैं। क्योंकि उस बयान के बाद अगले दिन माफी मांगने के बाद भी नीतीश कुमार की 3 से 4 दिनों तक उनके विरोधी दल उन पर जमकर हमला बोलते रहे। ऐसे में अब अंदाजा तो यही लगाया जा रहा है कि उसी वाकये के बाद से शायद उन्होंने इस बार न केवल मीडिया से किनारा कर लिया, बल्कि मीडिया के सामने उनका एक अलग अंदाज ही दिखा। वैसे भी सेक्स ज्ञान के विवाद के पहले से ही नीतीश कुमार मीडिया से शायद नाराज चल रहे हैं, जिसका जिक्र वो कई मंचों से कर चुके हैं। नीतीश कुमार की तरफ से मीडिया से इस तरीके से किनारा करते वक्त तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। जब नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, तब रिपोर्टर्स तेजस्वी को आवाज लगाते रहे। लेकिन नीतीश कुमार तो फटाक से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे। तेजस्वी यादव भी मीडिया से मुखातिब नहीं हुए और न ही रिपोर्टर्स के बुलाए जाने पर उन्हें किसी तरह की तवज्जो दी। मानो उनके कानों में रुई लगा हो और उन्हें सुनाई ही नहीं दे रहा हो। बहरहाल नीतीश कुमार का ये अंदाज अब तेजी से वायरल हो रहा है। वैसे इस मामले में फिलहाल तक तो उनकी विरोधी पार्टियों की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आया है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।